तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका अहमदाबाद जंक्शन के कालूपुर मेट्रो स्टेशन पे। तो ये रहा कालूपुर मेट्रो स्टेशन आपका, ये है अपना कालूपुर मेट्रो स्टेशन और देख सकते हैं आप लोग अभी इसका 30 तारीख को मोदी जी ने ओपनिंग किया है। तो पीछे का नज़ारा कुछ आपका ऐसा है देख सकते हैं, और अपनी दूसरी तरफ है अहमदाबाद जंक्शन। पीछे आपको शायद धूप में नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आपको बैक कैमरे से दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा होगा, तो जल्द ही बुलेट ट्रेन की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। और ठीक इसके बगल में है अहमदाबाद जंक्शन और इसके ठीक बगल में है कालूपुर मेट्रो स्टेशन। अहमदाबाद जंक्शन से अहमदाबाद कालूपुर मेट्रो स्टेशन आना चाहते हैं तो सीधे आपको 1 नंबर से 9 नंबर की तरफ आना होगा, और 9 नंबर पार करते ही आपको बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, उसके ठीक बगल में ही ये कालूपुर मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ से आप मेट्रो ट्रेन पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हैं। तो देख लीजिए मेट्रो स्टेशन की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो किसी ट्रेन की नहीं बल्कि मेट्रो ट्रेन की होने वाली है, मेट्रो रेलवे की होने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं, आपको जर्नी दिखाते हैं। तो मेट्रो स्टेशन से अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, और अभी इसका उद्घाटन हुआ है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, तो कुछ फूलों से पूरा लदा हुआ है। और देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है ही, और ये अंदर आते ही आपको कुछ शानदार पेंटिंग दिख जाएगी, जगन्नाथ के रथ यात्रा, और पीछे द्वारिकाधीश मंदिर, और उस तरफ है ये देखिए पीछे सेंचुरी का नज़ारा, कुछ काफ़ी शानदार है। और आगे आपको मेट्रो का टिकट मिल जाता है, तो यहाँ से टिकट लेके आप मेट्रो की जर्नी कर सकते हैं। टिकट और चलते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन के अंदर, और हमने अभी टिकट लिया, आपको दिखाया। टिकट बहुत ही सस्ता है, चीप टिकट है, मात्र 15 रुपया लगा हमको थलतेज तक। तो चलिए आपको थलतेज तक का यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आज है इसका फर्स्ट इनॉग्रल रन, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और गुजरात के लोगों के लिए गांधी जयंती का मतलब आप समझ सकते हैं, इसीलिए आज से इस मेट्रो को चालू किया गया है 2 अक्टूबर के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी, और ये आ गई अपनी थलतेज की तरफ जाने वाली मेट्रो कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई है कालूपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन पे यात्रा करने के लिए, पहला दिन है, काफ़ी एक्साइटेड हैं। और अपना मेट्रो स्टेशन का गेट खुला और हम लोग आ गए अंदर। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, और ये अपना गेट हो चुका है बंद और निकल चुकी है अपनी मेट्रो कालूपुर रेलवे स्टेशन से। सर कैसा लग रहा है मेट्रो? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फर्स्ट अच्छा काम किया है, साबरमती रिवर फ्रंट का शानदार नज़ारा देख सकते हैं, क्या जबरदस्त नज़ारा है। और हम लोग आ चुके हैं ओल्ड हाईकोर्ट स्टेशन, ये अपर ग्राउंड का स्टेशन है अपना, ओल्ड हाईकोर्ट स्टेशन है, और यहाँ से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं दूसरे जगह जाने के लिए। और स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ
कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं। और दोस्तों अपनी ट्रेन एसपी स्टेडियम पे एंट्री लेते हुए स्टेडियम पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सवार होते हुए सरदार पटेल स्टेडियम और यहाँ पे बहुत सारे चैनल वाले भी आ चुके हैं और भीड़ आप लोग यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी लोग उत्साहित हैं और बड़े बुजुर्ग सभी लोग आ चुके हैं। अभी ट्रेन अपनी निकल चुकी है एसपी स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम से। और अभी अपना देखिए रेड लाइट जलेगा और गेट ओपन होगा जैसे ट्रेन रुकेगी। ये देखिए अपना गेट ओपन हो चुका है और बाहर का नज़ारा कुछ इसका ऐसा है। कॉमर्स सिक्स रोड गेट हो चुका बंद और यहाँ से अपनी ट्रेन डिपार्ट होने वाली है। ट्रेन हो चुकी है यहाँ से अपनी डिपार्ट और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ नेक्स्ट स्टॉपेज है गुरुकुल रोड। तो अपनी ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट गुरुकुल रोड के लिए और इसका रूट मैप देख सकते हैं आप लोग, पाउस करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं ये इसका रूट है। और बाहर का शानदार नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर गुजरात। अब ट्रेन अपनी अराइव हो चुकी है गुरुकुल रोड पे। दरवाजा बंद और यहाँ से अपना हो चुका है डिपार्चर गुरुकुल रोड से और नेक्स्ट स्टॉपेज मिलते हैं दूरदर्शन केंद्र पे। और सामने देख सकते हैं काफ़ी शानदार और भव्य मंदिर श्री स्वामी नारायण। मेट्रो से आप जब भी आएंगे आपको काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा बाहर का। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा दूरदर्शन केंद्र का और यहीं से अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने
इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था, तो काफ़ी शानदार व्यू पॉइंट दूरदर्शन के और ये हो चुका अपना दरवाजा ओपन और अपने पत्रकार महोदय बाहर निकलते हुए और ये देख सकते हैं आप लोग दूरदर्शन के रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन और दरवाजा हो चुका है बंद। मेट्रो डिपार्ट कर चुकी है दूरदर्शन केंद्र से और नेक्स्ट स्टॉप पे जाए थलतेज। छोटे छोटे बच्चे भी कितने उत्साहित हैं मेट्रो को लेकर और सब लोग मेट्रो देखने आए हैं, काफ़ी शानदार। समय देख लीजिए 10 बजने कितना बज रहा है, समय 10 बजने में 10 मिनट बाकी दिखा रहा है और नीचे हाईवे का शानदार नज़ारा और उसके ऊपर अपनी मेट्रो। और ट्रेन हमारी अराइव होती हुई थलतेज मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे लगी हुई है थलतेज से वस्त्रालगाम जाने की वाली मेट्रो। गेट हो चुका है ओपन और हम लोग आ चुके हैं बाहर और बाहर देख सकते हैं लोग जयकारे लगा रहे हैं मोदी के और काफ़ी खुश हैं लोग, उत्साहित हैं। जय वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, वंदे मातरम लोग नारे लगा रहे हैं। जय मातरम मातरम। काफ़ी उत्साहित हैं और बाहर थलतेज स्टेशन का नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं थलतेज स्टेशन पे और इसके बाद लास्ट स्टॉपेज है इसका थलतेज गांव, तो हम लोग का टिकट यहीं तक था थलतेज स्टेशन तक। तो थलतेज स्टेशन पे हम अपनी इस जर्नी का एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।